नमस्कार दोस्तों दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम गुड्डू कुमार सिंह है और आप लोग देख रहे हैं गुड्डू ऑफिशियल बिहार वाला। दोस्तों आज मैं आप सभी को कुवैत के एक कंपनी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ और उसके विषय में पूरा डिटेल से चर्चा करने वाला हूँ। दोस्तों उस कंपनी का नाम है JTS, जिसका फुल फॉर्म होगा जसीम ट्रांसपोर्ट एंड स्टेप टोरिंग। दोस्तों इस कंपनी का ये फुल फॉर्म नाम है जो आप लोग सामने स्क्रीन पर देख लीजिए और आप लोग देख लीजिएगा किस कंपनी के विषय में चर्चा है। बहुत आदमी नाम से नहीं जानते होंगे लेकिन लोगो देखेंगे तो कंपनी को वो पहचान जाएगा कंपनी कौन सा है कौन सा नहीं है। दोस्तों इसको शॉर्टकट में JTS बोलते हैं और फुल फॉर्म नाम आप लोगों ने बताया है जसीम ट्रांसपोर्ट। समझ जाइए कि जसीम ट्रांसपोर्ट इस कंपनी का नाम है। तो दोस्तों इस कंपनी के विषय में आज हम चर्चा करेंगे और इसके विषय में जानेंगे कि ये कंपनी कैसा है, इसलिए कि बहुत सारे मेरे भाई कमेंट किए हैं, मैसेज भी किए हैं कि थोड़ा इस कंपनी के बारे में बताइए, इस कंपनी में हम लोग का इंटरव्यू हुआ है या CV सिलेक्शन, बहुत आदमी का इसमें CV सिलेक्शन भी हुआ है और इंटरव्यू भी हुआ है, तो कमेंट करके पूछ रहे हैं कि ये कंपनी कैसा है, अच्छा है कि नहीं। थोड़ा हमको जानकारी चाहिए था आपसे, आप थोड़ा इस कंपनी के बारे में बता दीजिए। तो दोस्तों मैंने इस कंपनी के विषय में कुवैत से ही पता किया है और जानकारी हासिल किया है और कुछ वहाँ मैं कम से कम दो साल रहा हूँ कुवैत में, तो हमको भी वहाँ के बारे में नॉलेज है, उसके हिसाब से आप सभी को मैं शेयर करूंगा। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस करके दोस्तों ऑल कर लीजिएगा। दोस्तों जसीम ट्रांसपोर्ट कंपनी सन 1979 को स्टार्ट हुआ था, सन 1979, यानी कि समझ सकते हैं कि आप लोग कंपनी पुराना है और इस ये कंपनी कम से कम 40 वर्ष कंपनी पुराना हो चुका है, तो कंपनी बहुत पुराना है, इसमें सोचने की बात नहीं है। कंपनी समझ जाइए कि 10 ईयर्स पार कर गया, वो कंपनी में कुछ तो बात है, इसलिए उसमें कुछ वर्कर को या सैलरी में या चाहे कहीं पर भी कुछ दिक्कत नहीं आई है, तभी वो कंपनी प्रोग्रेस कर रही है, आगे बढ़ रही है। नहीं तो कंपनी बहुत सारा कंपनी स्टार्ट होता है 6 से 5 साल 4 साल के अंदर कंपनी बंद हो जाता है, उसमें स्ट्राइक होना चालू हो जाता है, सैलरी टाइम से वर्करों को नहीं मिल पाता है। तो आप लोग समझ सकते हैं यह कंपनी 40 वर्ष पुराना हो चुका है, यानी कि 1979 को यह कंपनी चालू हुआ था, तो आप लोग समझ सकते हैं कंपनी 40 वर्ष लगभग पूरा कर चुका है। दोस्तों कंपनी पुराना है, इसमें सोचने की कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा कंपनी है। और दोस्तों इस कंपनी में कम से कम 5000 एम्प्लॉय काम करते हैं, यानी 5000 आदमी इस कंपनी में वर्क करते हैं वहाँ पे। 5000 आदमी कम नहीं है दोस्तों, बहुत समझ जाइए कि 5000 आदमी कंपनी रखा है, इसका मतलब कंपनी छोटा नहीं है, कंपनी बड़ा है। दोस्तों इसका जो हेड ऑफिस है वो कुवैत में है, सऊदीया में है, इसका जो हेड ऑफिस कुवैत में है, इसका ब्रांच सऊदीया में है, दोहा कतर में है, दुबई में है, यानी गल्फ कंट्री में ये कंपनी छाया हुआ है। गल्फ में आपको 3 जगह यह कंपनी अवेलेबल है अभी, ठीक है, 3 जगह यह कंपनी अवेलेबल है, वहाँ पे भी इसका काम चल रहा है। दोस्तों इसका काम क्या है क्या है ये भी बता देता हूँ। दोस्तों इसका काम है पोर्ट्स मैनेजमेंट के बारे में, आप पोर्ट्स के बारे में आपको जानते हैं, पोर्ट्स किसको बोला जाता है, पोर्ट्स मैनेजमेंट का काम है इसका। उसके बाद है कंट्राक्ट लॉजिस्टिक, यानी कि लॉजिस्टिक का काम है इसका, लॉजिस्टिक बहुत आदमी समझते भी होंगे लॉजिस्टिक का काम क्या होता है। उसके बाद है पावर रेंटल, आप लोग समझ रहे होंगे, बहुत आदमी नहीं समझते होंगे, तो पावर रेंटल उसी को बोलते हैं। आप लोग देख लीजिए, मान लीजिए कि किसी भी जगह आप लोग मान लीजिए अपने यहाँ आप लोग कहीं पे हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वहाँ पे हॉस्पिटल में जाते हैं, बड़े बड़े शादियों में देखते हैं आके आप लोग यहाँ डीजी चलता है, डीजी। दोस्तों यह कंपनी डीजी रखा है, बहुत हैवी डीजी रखा है। तो दोस्तों ये डीजी क्या करता है आगे, यानी कि रेंट पर देता है, कंपनी को देता है, यानी कोई हाउस वाले या पिक्चर हॉल वाले बोल दिए उनको भी दे देता है, मैंने किसी को भी रेंट पर देना है, पावर रेंटल का मतलब यही हो गया। और दोस्तों इसका काम
आप लोग समझ गए काम क्या है इसका। अभी एक कंस्ट्रक्शन का भी काम चालू किया है दोस्तों, कंस्ट्रक्शन का भी इस वक्त काम चालू है। आप कंस्ट्रक्शन में ही कारपेंटर, प्लम्बर, बहुत सारे आदमियों का वैकेंसी है, और उसमें फिनिशिंग कारपेंटर बहुत सारे आदमियों का वैकेंसी है, और उसमें वो आदमी जा रहे हैं। तो दोस्तों इसमें कंपनी में कम से कम सैलरी की बात करें तो सैलरी किसी का 100 KD से ऊपर है, 100 KD से नीचे नहीं है। इस कंपनी में मैंने पूरा जानकारी लिया है, 100 KD से नीचे नहीं है। 100 KD से जो भी आदमी जाएंगे उनका सैलरी 100 KD से ऊपर लगेगा। जो इसमें नॉर्मल हेल्पर भी जाएंगे उनको 90 KD सैलरी मिल जाता है दोस्तों। दोस्तों ये कंपनी जो ऑयल टैंकर होता है, ऑयल टैंकर, उसके लिए भी ऑयल टैंकर भी कंपनी मैंने समझ जाइए कि रेंट पर देता है, रेंट पर उसका मतलब ट्रांसपोर्ट का इसका काम ही है ट्रांसपोर्ट का। तो क्रेन हो गया, क्रेन भी देता है। आप लोग देखे होंगे कि जहाँ बिल्डिंग बनता है वहाँ क्रेन भी लगता है, बड़े बड़े टावर जो खड़ा होते हैं उसमें जो क्रेन लगा रहता है, ये क्रेन भी रेंट पर देता है दोस्तों। वहाँ पे अपना ऑपरेटर रखता है, अपना रेगा रखता है, इसका एक काम है दोस्तों। दोस्तों ये बहुत ही समझिए कि इसका बहुत सारा काम है। जो आप लोग जाएँ इस वहाँ पे जाएंगे तो आप लोग पता कीजिएगा तो आप सभी को मालूम पड़ेगा दोस्तों। इसका जो समुंदर में भी पोर्ट से पोर्ट पर जो माल उतरता है वहाँ पर भी इसका जो पोर्ट्स मैनेजमेंट में बोला, वहाँ पर ही पूरा जो वहाँ पे मैनेजमेंट का काम है पूरा यही देखता है कुवैत में दोस्तों। तो दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, बहुत ही अच्छा कंपनी है। अगर आप लोगों का इसमें सिलेक्शन हुआ है, वैकेंसी आया हुआ है किधर आप लोग के नज़दीकी ऑफिस में या दूर पर ही है, तो इस कंपनी में आप लोग जाएंगे तो आप सभी को कुछ दिक्कत प्रॉब्लम नहीं आएगा। वो एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, इसमें कंपनी का खाना है, इसमें कंपनी का खाना है। जितने ट्रांसपोर्ट वाले कंपनियाँ हैं सब खाना अच्छा देती है। आप कुवैत में रहने का व्यवस्था बहुत ही अच्छा रहता है, मैंने कुवैत में देखा है, रहने का जो भी व्यवस्था रहता है बहुत ही ज़बरदस्त रहता है। मैं कुवैत में खुद रहा हूँ, हमारे रूम में कम से कम हम लोग 3 आदमी रहते थे। तो ऐसा हर एक कंपनी कुवैत का जो कुवैत गवर्नमेंट है, वहाँ का जो गवर्नमेंट है, समझ जाइए कि साल में 2 बार जहाँ लेबर कैंप है, जिस एरिया में जैसे महबूला हो गया, जहरा हो गया, बहुत सारे जगहों पे लेबर कैंप है, तो लेबर कैंप चेक होता रहता है, वहाँ पे चेकिंग होता रहता है कि वर्करों को ये कंपनी अच्छा से रखा है कि नहीं रखा है, सभी जगहों पे चेकिंग होता रहता है। इसलिए कंपनियाँ वहाँ डर से, गवर्नमेंट के डर से कि गवर्नमेंट हमारे ऊपर फाइन ना मार दे, इसलिए सभी आदमी को अच्छा से रखता है, अच्छा से टाइम पर सैलरी देता है, टाइम पर उन लोगों को हर एक चीज़ मिलता है दोस्तों। कुवैत में कोई दिक्कत नहीं है, टाइम पे आप लोगों को सैलरी मिलेगा, टाइम पे आप लोगों को समझ जाइए कि घर कंपनी भेज देगा, सभी आप सभी को टाइम से सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। तो दोस्तों जो जसीम ट्रांसपोर्ट कंपनी है ये भी टाइम से सैलरी देता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, सैलरी में कोई परेशानी कोई दिक्कत आप सभी को नहीं आएगा। यह कंपनी बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, इसमें आप लोग सामने देखिए स्क्रीन पर बस में कैसे आदमी चढ़ रहे हैं, सामने आप लोग स्क्रीन पर देख लीजिए दोस्तों। ये कंपनी में आप लोग जाएंगे तो आप सभी को कुछ दिक्कत प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, खाना इसका जो ज़बरदस्त है कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए जितने ट्रांसपोर्ट कुवैत में मैं खुद रहा हूँ, जो हम लोग का कंपनी था बहुत ही बेहतरीन खाना था, अब खाना रहता भी है, सारी कंपनी का खाना अच्छा रहा। तो वहाँ पर L&T है, वो कम से कम जो हेल्पर होते हैं मैकेनिक हेल्पर कुवैत में 95 KD देती है, वो समझ जाइए कि 8 घंटे का, उसके बाद से प्लस ओवर टाइम है दोस्तों। ऐसे ही सिस्टम जसीम ट्रांसपोर्ट कंपनी में है, इसमें भी 8 घंटे का जो भी लगेगा सैलरी लगेगा, कंपनी का खाना रहेगा, आपका जो भी व्यवस्था मिलेगा सब कुछ अच्छा मिलेगा, कोई दिक्कत आप सभी को इस कंपनी में नहीं आएगा। जो भी आप लोगों का लेबरों का मैंने वहाँ पे जो गवर्नमेंट रेट है उससे वो हिसाब आप लोगों को सैलरी मिलेगा। तो लीव सैलरी अगर आप लोग हर छुट्टी आते हैं फिर इसमें जाते हैं तो आप लोगों को छुट्टी के टाइम ही 2 लीव सैलरी मिल जाएगा, सब कुछ आप सभी को व्यवस्था अच्छा से मिलेगा।